अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मुझे बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, सबर कर लेती मगर मैं क्या करती, मेरा कलेजा पट रहा था, मैं तो बोले जा रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ना तो मैं तुम पर जुल्म होने से रोक सकी और ना ही तुम्हारे दिल से निकले किसी बदवा को। तो फिर एक काम करो, मैंने अपने घर के सामने वाले घर में खुफिया कैमरा लगवा के रखा है, तो उसकी फुटेज हासिल करो, कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। हाँ तो फिर जाओ, उसे ढूंढो जाकर, फोन करो उसे, पता करो क्यों नहीं आई। फिर चाय पी लेंगे आप? नहीं, फिर मैं खाना खाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, वो खुद चली जाएगी, आप जहमत ना करें। ठीक है, फिर मैं सलमान से पूछ के निकलती हूँ घर से। हाँ ठीक है, बाबा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो, हाँ नवीद, कहाँ हो तुम? वो मैं ग्रॉसरी के लिए ना बाजार आया था। यार वो सब छोड़, मौका मिल गया सलमान को ठिकाने लगाने का। वो तूने मशवरा दिया था ना जहरीले गैस वाला, उस पे अमल दरामद का वक्त आ गया। यार महबूब, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इतनी जल्दी ना मचाओ, ये काम तो करना है, ये तय पा चुका है, लेकिन यार ईद गुजरने दो। नवीद मुझे चैन नहीं आ रहा, अभी दो दिन हुए इसका बेटा घर आया और नफीसा का मूड बदलना शुरू हो गया, पता नहीं ईद के बाद क्या हालात हो। फिर इन्होंने मुझे अपने घर में घुसने देना भी है कि नहीं? लेकिन अभी अचानक तुम बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि नफीसा इस वक्त घर पे नहीं, वो अफ्तारी से पहले आई, मैंने सलमान से बात कर ली है वो परफ्यूम वाले कारोबार की। बस तुम उन बोतलों में वो जहरीली गैस वाली बोतल डाल के लाना। यार महबूब, पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है, अगर हम पकड़े गए तो? अबे भाई क्यों पकड़े जाएंगे, तूने ही कहा था कि इस गैस को जो भी इनहेल करेगा फौरन उसी वक्त उसकी मौत वाकई हो जाएगी। अरे फिर किसने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि मौत कैसे हो? सबको पता है, डिप्रेशन में था, हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अच्छा यार मैं कुछ करता हूँ, टेंशन ना लो। एक घंटे के अंदर मुझे मिल, नफीसा के आने से पहले पहले सलमान का बंदोबस्त करना, समझा? रख दी यार। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे तुम? कुछ नहीं, ऐसी बस एक सर में दर्द हो रहा था, गोली तलाश कर रही। लाइए मैं ढूंढ देती हूँ। नहीं नहीं बस रख, रहने दो, सर का दर्द मेरा आधा तो खत्म हो गया क्योंकि तुम आ गई। आपको पता है मेरी अम्मा को कभी सर के दर्द की गोली की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही मेरे मियाँ को। अरे वो कैसे? वो ऐसे कि मैं सर के दर्द का मसाज बहुत अच्छा करती हूँ और सर का दर्द ऐसे दूर भगाती हूँ मैं। अभी देखें। अरे वाह भाई वाह, वाकई भाई बहुत, अरे जबरदस्त, कितना खुश नसीब होगा वो बाप जिसकी तुम बेटी हो। और कितनी बदनसीब होगी वो बेटी जिसने अपने बाप को कभी देखा ही ना हो। है? क्यों? मैं बहुत छोटी थी जब अब्बू का इंतकाल हो गया। स्कूल में मेरी सारी सहेलियां अब्बू के साथ कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल पर आती थी।
तब मुझे अपने अब्बू की बहुत याद आती थी और मैं उनकी तस्वीर अपने गले से लगा के बहुत रोती थी और सोचती थी कि काश मेरे अब्बू जिंदा होते तो मुझसे कितनी मोहब्बत करते। हाँ भाई सुन सही कह रही है। मेरी अम्मा ना अब्बू की बहुत बातें बताती हैं मुझे, कहती थी कि मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अब्बू भी कहते थे कि जिस घर में बेटियां होती हैं ना उस घर में बहुत रहमतें होती हैं और जिस घर में कोई बेटी ना हो ना बदनसीब बाप होता है। अरे नफीसा तुम आ गई, बाबा जी कल से भूख हड़ताल पर थे, दूसरी बार खाना गर्म करके लाई हूं। आप रो रहे हैं बाबा जी? रो रहे देख मैं कहाँ रह गया था यार, इतनी देर लगा दी तूने। तुमने भी तो मुझे अचानक काम सौंप दिया था और मैं स्टोर से छुट्टी लेके आया हुआ था, वापसी किसी बहाने से जाना पड़ा और ये गैस बनानी पड़ती है खुद लैब में जाके और दूसरों की नजर से बच के। अच्छा ठीक है चलते हैं। कहाँ? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। क्या मतलब? मैं तो सलमान से बोल के आया हूँ कि तुम परफ्यूम का काम करते हो, कारोबार कर रहे हो, तुम्हारी उससे मुलाकात करवानी है। यार मुझे बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? अगर उसकी मौत हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई तो? ओ नहीं भाई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, मैं हूं ना, तुम खामखा डर रहे हो। नहीं यार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। ये पकड़े बैग और इसमें ना वो जहरीली गैस भी है देखें। अच्छा ख्याल से जब उसे देना ना वो छिड़काव करने लगे तो अपने दांत पे रुमाल रख लेना और वहां से जल्दी से निकल जाना। अच्छा चलो ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है। तुमने मुझे माफ कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। आप मुझे बार बार क्यों शर्मिंदा कर रहे? दरअसल मैं तुम्हारी बद्दुआ से बच गया। अगर तुम मुझे माफ नहीं करती तो शायद तुम्हारी बद्दुआ मेरी जान ले लेती। मैंने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी थी, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि बस बद्दुआ का जबान से जारी होना जरूरी नहीं होता, दिल का टूट जाना जो है ना वो जरूरी होता है। खामोश बद्दुआ खुद वजूद में आ जाती है और ये टूटे हुए दिल बड़े बेबाक होते हैं, खुदा की लाठी की तरह बे आवाज चोट पहुंचाते हैं। वैसे ही एक लाठी की मैं चोट खा चुका हूं। तुम जानना चाहते थे ना मेरा गम क्या है? आवाज में तुम्हें सुनाता हूं अपनी दास्तान। करोड़ों की जायदाद और दौलत मुझे अपने बाप की वरासत से मिली थी। मैं अपने बाप की अकलौती औलाद था, मुझे बस एक बेटा चाहिए था, लेकिन मेरी बीवी को बेटी की ख्वाहिश थी। मैं जब भी बेटे की ख्वाहिश करता था तो मेरी बीवी बुझ जाया करती थी। फिर तकदीर ने मुझे वो दिन दिखाया जब मुझे पता चला कि मैं बाप नहीं बन सकता।
ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैंने सोचा कि एक बेटा जो है वो हम अडॉप्ट कर ले। मेरी बीवी ने तो मुझे बहुत कहा कि बेटा नहीं बेटी ले लेते हैं, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने फिर यतीम खाने जाकर एक प्यारा सा बच्चा अडॉप्ट कर लिया। और मेरी बीवी तो चंद साल बाहर थी, अपने गमों के बोझ से इस दुनिया से चली गई। और मैं उस बच्चे से उम्मीदें वापस न करके जीता रहा। और जब मैंने उसकी शादी की तो उसने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया मुझे। उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर मेरी तमाम जायदाद और मेरी दौलत पर अपना कब्जा जमा लिया। यहां तक कि उसने मुझे पागल करार दे के पागल खाने में भर्ती करा दिया। तुम जानना चाहती थी ना कि मेरा ये रवैया क्यों है। जब तुम मेरा सर दबा रही थी ना तो मुझे ख्याल आया, काश मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश पर बेटे के बजाय बेटी ली होती। तू मुझे पागल खाने में भर्ती नहीं कराती, तुम्हारी तरह मेरी खिदमत कर रही होती। आप रो क्यों रहे? अब आपको एक बेटी मिल गई है ना, क्या आप मुझे दिल से अपनी बेटी नहीं मानते? बस ऐसी जबान से बेटी बेटी कहते। मैं सारी जिंदगी बाप की मोहब्बत और शफकत को तरसती रही और आप एक बेटी की मोहब्बत को। कितना अजीब इत्तफाक है ना, कुदरत ने कहां लाकर एक मजबूर बाप और एक गरीब बेटी को मिलवा दिया। आज से तुम मेरी बेटी और मेरा बेटा भी हो, मेरा सुख भी हो, मेरा चैन भी हो। देखिए सलमान भाई, मैं आपको थोड़ा सा परफ्यूम का बिजनेस समझाता हूँ। ये देखें, ये परफ्यूम, ये मार्केट में 2000 रुपए का सेल होता है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 500 रुपए। तो आप खुद सोचें कि मार्केट पर दुकान पर अगर डेली की ये 50 बोतलें सेल हो तो कितना प्रॉफिट है। मगर क्या दुकान का बंदोबस्त भी? हाँ हाँ, अरे आपको मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त खुद इन्वेस्टमेंट करेगा, आपने सिर्फ बैठ के दुकानदारी करनी है, जो बचेगा आधा आधा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। अरे इस पे शुक्रिया अदा करने की कौन सी बात है, आप ये परफ्यूम तो ट्राई करें। नहीं अभी नहीं, अभी मेरा रोजा है तो रोजे के बाद करूंगा ट्राई, वरना रोजा मकरूह हो जाएगा। अरे सलमान भाई, रोजे का खुशबू से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है महबूब, बहुत गहरा ताल्लुक है। ये खुशबू जब सांसों को मुअत्तर करती है ना तो इससे रोजे की तकवियत को तस्कीन मिलती है। हाँ रोजा टूटता तो नहीं है लेकिन अलबत्ता मकरूह जरूर हो जाता है। अच्छा जब आप दुकान पे होंगे तब भी तो खुशबू होगी, तब भी तो रोजा होगा, उस वक्त क्या करेंगे? तब की बात और है महबूब, मैं रोजे के मसाइल बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा आप ये ट्राई तो करें। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना इसरार क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मैं इफ्तार के बाद कर लूंगा। नहीं दरअसल वो मैं चाह रहा था कि नफीसा के आने से पहले आप ये
नफीसा की फिक्र मत करें आप, नफीसा की रजामंदी के बगैर तो मैं ये काम करूंगा भी। हाँ, इतना मुझे यकीन है कि नफीसा को इस कारोबार से और आपकी मदद लेने से कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। थोड़ी सी लगा लें, ट्राई कर लें। अफ्तार के बाद भाई कुछ नहीं हुआ, तू क्यों डर रहा है? अबे किसी को कैसे पता चलेगा वो कैसे मरा? क्यों नहीं पता चलेगा, नफीसा की मौजूदगी में जब वो जहरीली गैस को सूंघेगा तो सूंघते ही उसकी मौत हो जाएगी। नफीसा को शक हो जाएगा, वो पुलिस को इन्वॉल्व कर लेगी और हम पकड़े जाएंगे। अगर उसके शौहर से पहले नफीसा ने वो जहरीली गैस सूंघ ली, उससे नफीसा की मौत हो जाएगी। हट, बिल्कुल पागल है यार, मुझे भी फंसाएगा साहब। आज मैं बहुत खुश हूं, आज बाबा जान ने ना मुझे अपनी बेटी बना लिया है। आज मुझे भी तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। अच्छा, वो क्या? वो शॉपर लेके आओ सामने से। जाओ। देखो इसमें क्या है। इतने सारे परफ्यूम, दुकान खोलनी है क्या? सही अंदाजा लगाया तुमने। महबूब अहमद का एक दोस्त है, उसकी दुकान है परफ्यूम की, और वो मुझे दुकानदारी की मुलाजमत देना चाहता है पूरे दिन के लिए। रोज का 1500 कमा सकता हूँ। महबूब अहमद। नफीसा, किसका एहसान नहीं लेना, किसके एहसान की कदर करनी है, इतने अरसे में सब समझ आ गया मुझे। जिन हालात से हम गुजर चुके हैं, ये अना क्या है, खुददारी क्या है, मजबूरी किस बला का नाम है, अच्छी तरह समझ चुका हूँ मैं। खैर, तुम परफ्यूम तो ट्राई करो। परफ्यूम है तो परफ्यूम जैसे ही होंगे। अरे भाई, ये उस दुकानदार की अपनी फैक्ट्री में तैयार होते हैं, चेक तो करो। ठीक है।